नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक तरह का मोटिवेशनल वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपका केंद्र पास में है तो आप निश्चित रूप से आपको एक 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि कभी भी यूपीपीसीएस की या फिर आईएएस की यूपीएससी की पूर्ण तैयारी नहीं की जा सकती। कुछ ना कुछ हमेशा जो है रह ही जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करके चलें। आपने जितनी तैयारी की वो सफिशियंट है, इस पर विश्वास करके चलें। अपनी तैयारी पर पूर्ण विश्वास करके आपको चलना होगा और एक अच्छी नींद लें अगर आपका सेंटर पास में है। अगर पास में नहीं भी है, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो भी जो है आप जो है कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर नींद पूरी होगी आप अपना बेहतर निष्पादन परफॉर्मेंस दे पाएंगे पेपर के वक्त। ठीक है, पेपर के 2-3 घंटे पहले 80% लोग पहुंच जाते हैं अपने सेंटर पर। ठीक है, सभी सब्सक्राइबर्स या जो कि एस्पिरेंट हैं वो 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। तो इन 2 घंटों में क्या किया जाए? आपको पता है यूपीपीसीएस में 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। अगर आपने अपने नोट्स तैयार किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, केवल उन्हीं को पढ़िए, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर के लिए तो उसको जो है रिवाइज करें। नहीं तो मेरे चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर करंट अफेयर को आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 घंटों में करंट अफेयर को जितना अच्छे से रिवाइज आप कर सकें उतना बेहतर होगा। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो आपको लीड प्रोवाइड करेगा, जो आपको स्पेशल बोनस प्रोवाइड करेगा बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर, अगर आपका वो मजबूत है वो सेक्शन तो। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न इसमें सही नहीं करने हैं, जो कि पहले होता था 110 प्रश्न, नहीं अब ऐसा नहीं है। अगर आप 90 प्लस करते हैं तो मोर देन इनफ है, 90 प्लस सही क्वेश्चन। ठीक है, मैं सही की बात कर रहा हूँ, 90 प्लस करके आना है आपको। सबसे पहले कोशिश ये कीजिएगा कि जो श्योर है, जिसमें आप कंफर्म हैं चारों ऑप्शंस में से, ऐसे प्रश्नों को पहले हल करें जिसको आपका आंसर श्योर है। ठीक है, दूसरी बार ऐसे प्रश्न को जो है लीजिए जहां पर आपका 50-50% रिस्क जो होता है। रिस्क हमेशा 2 ऑप्शन के बीच में उठाया जाता है, ना कि 3 ऑप्शन में या 4 ऑप्शन में। बिल्कुल छोड़ देना है उन प्रश्नों को जिसमें आप कंफ्यूज हो कि इन 3ों में से क्या होगा, इन 4ों में से क्या होगा। सिर्फ रिस्क उठाना है वहाँ पर जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है कि इन 2 में से क्या होगा। 2 ऑप्शन के बीच में जब भी कंफ्यूजन होता है और आप रिस्क उठाते हैं, ऐसा रिस्क जो है बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि सबसे पहले आपको उनको छांटना चाहिए जो उत्तर नहीं हो सकते हैं, उसके बाद आपको जो है रिस्क उठाना चाहिए 2 ऑप्शन पे। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल शांति से पेपर को पहले 5 मिनट एक बार एक सिरे से पढ़ लें। क्यों ज़रूरी होता है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि सेट 4 तरह के होते हैं, ABCD। कुछ सेट में कठिन प्रश्न स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं और काफ़ी कैंडिडेट हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, जबकि बाद के प्रश्न इजी होते हैं, तो आपको ना तो अति उत्साहित होना है। अगर आपका पहला सेक्शन स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के मिल गए तो आप बहुत खुश हो गए, और बाद में क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए तो आप निराश हो जाएंगे, या फिर शुरू में जो है एकदम कठिन आ जाए तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए अपनी मेंटल एबिलिटी इस तरह की बनाएं कि आपको पहले 5 से 10 मिनट में पूरा पेपर स्कैन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है जिसका आपको श्योर पता है कि हाँ 100% यही सही जवाब होगा। उसके बाद जो है आप उन क्वेश्चन को पकड़ेंगे जिसमें 2 ऑप्शन के बीच में आपको कन्फ्यूज़न है, जहाँ रिस्क उठाना 50-50% या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है 3 ऑप्शन में, वो तीसरे राउंड में आप क्वेश्चन को देखेंगे, और जहां पर 4 में से आपको कुछ नहीं पता है उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग में छोड़कर भी कुछ आना होता है, सारे क्वेश्चन उठाने का ठेका मत लीजिएगा। इसके अलावा सी सेट भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2017 में 16,850 लोग
सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है? तो ये याद रखिए, सी सेट भी जरूरी है, और सी सेट जब आप क्लियर करेंगे तभी आपका जो है GS1 चेक होगा, ये बात अच्छे से समझ लें। तो सी सेट में जो है ज़्यादा रिस्क ना उठाते हुए, क्योंकि वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, आपको उन्हीं प्रश्नों का सही जवाब देना है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है? दूसरी बात, 2017 में ही 200 बच्चे ऐसे थे जिनके GS1 में 160 नंबर के करीब थे, लेकिन सी सेट में फेल हो जाने के वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो गए मेंस के लिए, ठीक है? तो ये अखबार में एक आंकड़ा आया था और मैंने इस आंकड़े को लिखा हुआ है अपने एक नोट्स में, अभी समय तो नहीं है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकलेट सीरीज़ का कोड डालना बहुत ज़रूरी है, OMR सीट में जो है जितनी भी चीज़ें भरी जाती हैं उसको ध्यान से भरिएगा, बस कटिंग ना करें, कटिंग बिल्कुल भी ना करें, फ्लूड बिल्कुल ना लगाएं, अच्छे से उसको भरना है आपको। एक और बात जो ध्यान में रखनी है आपको कि बुकलेट सीरीज़ जो प्रश्न पत्र है वो आपके सामने आपकी कक्षा में खोले जाने चाहिए, पहले से खुले हुए ना हो, क्योंकि UPPCS में भी जो है पेपर लीक हो चुका है 2015 में, ठीक है? अभी हाल ही में UPSSSC में और जो अध्यापकों का जो 68,000 के करीब था उसमें जो है धांधली की खबर आई थी, पेपर लीक हुआ था। तो किसी भी तरह से आपको हर तरह से अवेयर रहना है, प्रश्न पत्र आपके सामने खुला हुआ होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दो कैंडिडेट से साइन करवाते हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि वो पूरी तरीके से सिक्योर अंदर क्लोज किया हुआ है कि नहीं, आपके सामने दिखाएगा वो एग्जामिनर जो भी है आपका जो सेंटर में होगा, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखें। अब पहला पेपर जब आपका हो जाए तो किसी से बात ना करें उस पेपर के संदर्भ में, क्यों? क्योंकि इस अभी आपको दूसरा पेपर भी देना है, आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, इसीलिए पहला पेपर आपका जैसा भी गया हो, अच्छा बुरा ये आप तय नहीं कर सकते, ये बाद में तय करना जब दोनों पेपर हो जाए। पहले आपको सी सेट भी क्लियर करना है, ये भी याद रखें, दोनों पेपर दीजिए उसके बाद जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो हैं क्या होता है कि पहला पेपर जो है हो जाता है उसके बाद 2-3 घंटे का समय होता है तो चेक करने में लग जाते हैं कि अब कौन कौन से प्रश्नों का जो है सही कन्फ्यूज़न, और उससे जो है बेमतलब का स्ट्रेस आता है, तो ये नहीं करना है। उन घंटों में भी आप सी सेट के कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाइए जहाँ से प्रश्न पिछले दिनों पिछले सालों में बने हैं और उस टॉपिक को कवर कीजिए, क्योंकि दूसरा पेपर में भी तो अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है, 33% मार्क्स तो उसमें भी लाना कंपलसरी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें इस बात को। और वीडियो के इस अंतिम भाग में मैं यही कहूँगा कि मस्त रहें, शांत रहें। आप अगर सेंटर पास में है तो पूरे दिन पूरी रात 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद लें, अगर आप सफ़र में हैं तो भी सोते हुए जा सकते हैं, आपकी नींद पूरी होना जरूरी है क्योंकि तभी आपका जो है निष्पादन सर्वश्रेष्ठ आएगा। मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से UPPCS 2018 के लिए अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर उन सभी गंभीर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कराए मेंस के लिए जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और करंट अफेयर जो है अगर आपको रिवीजन करना है तो उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके अपने नोट्स हैं तो फिर तो उससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अपने नोट्स पर सबसे ज़्यादा विश्वास करके चलें, खुद पर विश्वास रखें, आप कर सकते हैं। इस बार ज़्यादा प्रश्न करके नहीं आना है, हमें सिर्फ 90 प्रश्न ही करके आना है, इस बार एग्ज़ाम क्लियर होगा, बिल्कुल होगा, सीट भी ज़्यादा है और बहुत अच्छा अवसर है, और इस बार सिलेक्शन लेना ही है हर हाल में, ठीक है दोस्तों? तो मैं मिलूंगा आपको पेपर के रिव्यू में, बकायदा आपको मैं बताऊंगा उस समय कि कौन सा प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल शांत तरीके से, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल अच्छे से पेपर जाना चाहिए, ठीक है? मिलता हूँ मैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और एक बार पुनः आप सभी को UPPCS 2018 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।